कहते हैं कि सर मैंने बहुत अच्छी मेहनत की थी पर मेरे बोर्ड में उतने अच्छे नंबर नहीं आए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनते रहते हैं। मैं आपको बार बार बताना चाहता हूं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा मैटर ये करता है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, आपका तरीका क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपकी डायरेक्शन क्या है। बिकॉज आप सभी को पता है कि जो सक्सेस है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन का बहुत होना जरूरी है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं क्लास 12th के और आप चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 95 से अच्छे नंबर गेन करने को, या आपका भी सपना है स्टेट टॉपर बनने का, वन डिजिट रैंक लाने का, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो उनके लिए भी है जो बच्चे चाहते हैं कि सर कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करके हम बहुत अच्छे मार्क गेन कर सकते हैं। इस वीडियो में कुछ स्मार्ट टिप्स मैं आपको दूंगा जिनको फॉलो करके अभी से, क्योंकि अभी किसी चीज को आप स्टार्ट कर रहे हो और कहते हैं ना कि अगर स्टार्टिंग बेहतर हो तो अंत बेहतर हो ही जाता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे 5 स्मार्ट टिप्स की बात करेंगे। इन टिप्स को आप फॉलो करके आप भी अपने आंखों के सपनों को आसानी से पूरा कर सकते हो। तो टिप्स नंबर 1, सबसे पहले हम ये बोलेंगे, सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि आपका सिलेबस क्या है। देखो अब बोलोगे सर ये तो सबको पता होता है, नहीं पता होता। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे जो फिजूल के चीज़ों को ज़्यादा टाइम देते हैं और जो चीज़ें रियलिटी में पढ़नी चाहिए उसको कम टाइम देते हैं। तो सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जो की फैक्टर है वो ये है कि आपको आपके सिलेबस का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि आपको कितने कदम चलने हैं, ये आपका सिलेबस बताएगा। जो जो टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आते हैं, जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है, उन्हीं पर मेहनत की जाए भाई। बेफिजूल की मेहनत क्यों करोगे? अगर आपको अच्छे नंबर पाना है, अच्छे नॉलेज लेने के लिए आप कुछ भी पढ़ सकते हो, पर अच्छे नंबर पाने के लिए आपको एक रोड मैप की जरूरत होती है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास अपडेटेड सिलेबस होना चाहिए जिसको आप बहुत अच्छे से फॉलो करना स्टार्ट करिए। दूसरी चीज, सिलेबस को पढ़ते टाइम आपको करना क्या है, आपके पास की नोट्स होनी चाहिए। अब ये की नोट्स क्या है, जैसे मान लो कि यहां पे हम लोग फोकस बेस 2.0 में आपको पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री, मान लीजिए। तो केमिस्ट्री में मैंने पढ़ाया हेलोएल्केन हेलोरीन। अब हेलोएल्केन हेलोरीन जो मैंने पढ़ाया बोर्ड पे, जो मैं लिखा रहा हूं, आप सोचते क्या हो स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हो, आप सोचते क्या हो सर तो नोट्स बाद में देंगे ही, वो मेरे काम आ जाएगी। मैं बार बार कहता हूं कोई भी स्टूडेंट अगर टॉपर बना है किसी दूसरे के नोट से नहीं बन सकता। आप जो जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको अपने तरीके से की नोट्स बनाइए। होता क्या है, एक बार चीजें आप यहां पे पढ़ रहे हैं, उसके बाद जब आप रिवीजन करेंगे अपनी की नोट्स की, उसमें चीजें उसी तरह से लिखी होंगी जैसे मैंने यहां पे बताया था, क्योंकि हो सकता है यहां मैं कोई और एग्जांपल ले लूं और जो आपको हैंड रिटन नोट दूं वहां कुछ और एग्जांपल हो। तो कैसे आप कनेक्ट कर पाएंगे लेक्चर से नोट्स को? तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं की नोट्स बनाइए, और यही की नोट्स आपकी की है सक्सेस की। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। और ये जो की नोट्स है ना, ये बहुत अच्छे टॉपर बनाती है भाई। मैंने बहुत सारे टॉपर से पूछा, उन्होंने कहा यार कि सारी नोट्स एक तरफ और मेरी की नोट्स एक तरफ। अच्छा, इसके बाद प्यारे बच्चों, सिलेबस खत्म होने के बाद रिवीजन कैसे करना है आपको बता दूं। रिवीजन के 3 तरीके होते हैं। कुछ बच्चे चैप्टर वाइज रिवीजन करते हैं, कुछ बच्चे चैप्टर वाइज रिवीजन करते हैं, कुछ बच्चे PYQ डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, और कुछ बच्चे डायरेक्ट मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं। अब जो टॉपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो चैप्टर वाइज PYQ सॉल्व करते हैं, PYQ ही सॉल्व करते हैं पर चैप्टर वाइज, और चैप्टर में भी टॉपिक वाइज PYQ सॉल्व करते हैं। और टॉपिक वाइज जब आप PYQ सॉल्व करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। सर एक एग्जाम्पल दीजिए कैसे हम बोल सकते हैं, जैसे मान लो मैंने तुमको पढ़ाया प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। अब अगर मैं होल चैप्टर को छोटे छोटे माइक्रो लेवल पे स्प्लिट कर दूं तो जो हमारी प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन है वहां से कितने क्वेश्चन आज तक बने हैं ये तुम एनालाइज कर लो, या टीचर आपको देगा। जैसे यहां गूगल केमिस्ट्री पे तो सब हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, हमने बता दिया प्यारे बच्चों की प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन से इतने क्वेश्चन व्हाट हैपन के आए हैं, इतने क्वेश्चन हाउ टू ऑब्टेन के आए हैं, इतने क्वेश्चन मेथड ऑफ प्रिपरेशन के आए हैं, इतनी नेम रिएक्शन आई है, ठीक है। अब इस टॉपिक से तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ कि यार मैं तो कर सकता हूं, मैंने एक टॉपिक अच्छे से पढ़ा, यहां से क्वेश्चन हो रहे हैं। तो जब तुम टॉपिक वाइज स्टडी करते हो PYQ की तो कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही लेवल का रहेगा तुम्हारा। इसमें होता क्या है, मान लो किसी चैप्टर में आपको एक आध टॉपिक नहीं भी क्लियर है तो पर्टिकुलर वो टॉपिक आपको पता चल जाएगा और एट द एंड आप उसको भी तैयार कर लोगे। बट जब आप पूरे चैप्टर को एक साथ लेके बैठते हो ना तो फिर आपको यही नहीं पता चल पाता कौन सा पोर्शन मेरा स्ट्रांग है कौन सा पोर्शन वीक है। टॉपिक वाइज पढ़ने का एक और अलग फायदा है, हम चीजों को कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं कि ये हेलोएल्केन है, दिमाग में एकदम फिट हो गया। अब एग्जाम में हमको क्वेश्चन आया तो अगर हमको वो टॉपिक नहीं याद आ रहा है तो दिमाग में ये तो रहेगा यार
प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन से है, साल तो तुम किसी तरह से कर लोगे। जब तुमको यही नहीं पता यार कि ये प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन से है कि केमिकल प्रॉपर्टी है या ये कहीं और से है, तो फिर तुम नहीं कर सकते। तो ये तरीका है टॉपिक वाइज पीवाईक्यू करने का, ठीक है। जब आप टॉपिक वाइज पीवाईक्यू कर लीजिए तब चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करिए, तब देखिए क्या 100% आपको क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और उसके बाद लास्ट में आप मॉडल पेपर का सोल्यूशन फॉलो करिए, ठीक है। लास्ट में मॉडल पेपर का सोल्यूशन करिए। अच्छा, चौथी चीज क्या है? चौथी चीज है प्यारे बच्चों टाइम मैनेजमेंट। अब देखो, मैंने कहा ना कि जो टॉपर होते हैं ना वो नवंबर तक अपने सिलेबस खत्म कर लेंगे, नवंबर के पहले तक किसी भी तरह वो अपना सिलेबस खत्म कर लेंगे। दिसंबर जनवरी फरवरी उनके जीवन में बस एक काम रहेगा, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। जो जितना पेज क्वेश्चन सॉल्व करेगा, जो जितना क्वेश्चन सॉल्व करेगा प्यारे बच्चों, उतना अच्छा परसेंट पाएगा। ये बात तुमको मैं हमेशा बोल रहा हूँ। कुछ बच्चे करते क्या है, लास्ट टाइम पे बोलेंगे सर मैं 10 दिन में टॉपर बनना चाहता हूँ, सर मैं 20 दिन में टॉपर बनना चाहता हूँ। डेट इज इम्पॉसिबल, नहीं बन सकते भाई। तुमको यहाँ पे एक न्यू तैयार करनी पड़ेगी। तो न्यू यही है कि तुम पूरे सिलेबस की नोट्स बनाओ अपने ढंग से, एक एक टॉपिक को समझ के, उसके बाद टॉपिक वाइज पीवाईक्यू करो, और टॉपिक वाइज के बाद चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज के बाद मॉडल पेपर, आफ्टर दिस आप क्वेश्चन। ये मैंने बताया ना, ये नवंबर के बाद से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और, ये पांचवा पॉइंट ये है कि आप जितना ज्यादा टेस्ट दे पाओ, दो किसी भी इंस्टीट्यूट का हो यार, किसी भी यूट्यूब चैनल का हो, आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो। टेस्ट देने से तुमको ये पता चलता है कि क्या जो मैंने भंडारण मतलब कंटेंट पाया है वो कितना बेहतर है, क्योंकि जब आप लिख लेते हो टीचर आपको नंबर देता है, ऐसे ही एक टीचर आपको बोर्ड में नंबर देता है, तो यही आपको डेमो मिल जाता है कि हमारी सोच और एक टीचर की सोच मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो तुम राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, नहीं कर रही है तो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो ये बहुत स्मार्टली टिप्स हैं जिनको आप अभी से फॉलो करके बड़ी आसानी से बोर्ड में 95% गेन कर सकते हो। और अगर आपको एक सिंपल सा ट्रैक चाहिए कि सर मेरे पास कोई ऐसा टीचर्स नहीं है जो मुझे गाइड कर दे कैसे कैसे पढ़ना है, तो मैं कहता हूं ना कि जो ये हम लोग लॉन्च किए हैं ना फोकस बैच 2.0, यहां पे एकदम पॉइंट टू पॉइंट हम लोग इसी तरह चल रहे हैं। हम लोग सबसे पहले चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर के तुरंत बाद हमने टेस्ट डाल दिए हैं, हमने हैंड रिटन नोट्स डाल दी है, और टेस्ट के तुरंत बाद फिर हम टॉपिक वाइज टेस्ट लेंगे, उसके बाद हम यूट्यूब पे भी डिस्कशन करेंगे। तो पूरे सिलेबस को हम लोग सितंबर तक खत्म कर देंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी हम लोग केवल क्वेश्चन टेस्ट मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो अगर आप आसानी से 95% गेन करना चाहते हो तो आप इस बैच को फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है, आपको बस एक गाइड मिलेगी, उसे फॉलो करते हुए जाना है और अपनी आंखों के सपनों को पूरा करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो फैला देना इस वीडियो को उन सारे स्टूडेंट्स तक जो स्ट्रेटजी की तलाश कर रहे हैं, जो क्लास 12th में कुछ करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस।